श्री जन्माष्टमी की बधाई। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री वल्लभादीश की जय। आप सभी को प्रभु श्री कृष्ण जी के प्राकट्य महामहोत्सव श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कोटि कोटि मंगल बधाई। आज भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को संपूर्ण जगत जन्माष्टमी के रूप में मना रहा है। आइए आज का विशिष्ट सेवा क्रम श्रीनाथ जी का जानते हैं। क्योंकि जन्माष्टमी तो स्वयं हमारे प्रभु श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है और एक प्रकार से पुष्टि मार्ग का यह सबसे बड़ा उत्सव है, इसी कारण जन्माष्टमी को उत्सव नहीं अपितु महामहोत्सव के रूप में आज के दिन के मनाकर हम आनंदित होते हैं। अतः आज का यह उत्सव महामहोत्सव कहलाता है। पुष्टि मार्गी वैष्णवों के लिए यह महामहोत्सव सबसे अधिक महत्व का होता है। पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ श्रीनाथ द्वारा में आज का यह महामहोत्सव अत्यंत उत्साह एवं उमंग से मनाया जाता है, जो नाथ द्वारा की जन्माष्टमी को पूरे संसार में अति विशिष्टता प्रदान करता है। महामहोत्सव होने के कारण श्रीनाथ जी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को हल्दी से लीपा जाता है। आशापाल की सूत की डोरी की वंदन माल बांधी जाती है। आज बड़ी दहलीज मांडी जाती है। द्वार के कोनों पर हल्दी एवं कुमकुम से कमल, स्वास्तिक, पलना, लताएं आदि की चित्रकारी की जाती है। आज गेंद, चौगान, दिवला आदि सभी साज सोने के आते हैं तथा आज तकिया के खोल जड़ों सोने के काम वाले होते हैं। आज दिन भर सभी समय में जारी जी में यमुना जल भरा जाता है। आज चारों समय अर्थात मंगला, राजभोग, संध्या व शयन की आरती थाली में की जाती है। श्री जी में प्रातः 4 बजे शंखनाद होते हैं और 4:45 पर मंगला दर्शन खुलते हैं। आज प्रभु श्री जी को दोहरा अभ्यंग अर्थात 2 बार स्नान कराया जाता है, जिसके अंतर्गत खुले दर्शनों में ही मंगला आरती के उपरांत 13 लेकर प्रभु का उपरना बड़ा कर दिया जाता है अर्थात हटा दिया जाता है और तिलकायत महाराज कुमकुम से तिलक करते हैं। उसके पश्चात फिर प्रभु को पंचामृत का स्नान करवाया जाता है। पंचामृत स्नान में प्रभु को अमृत माने गए पंच द्रव्यों यथा दूध, दही, घी, शहद और बूरा अर्थात पकी हुई शक्कर के चूरे से स्नान कराया जाता है। इस समय झांझ, जालर, मृदंग, घंटा, नगाड़ा, थाली, मादल आदि बजते हैं और पंचामृत स्नान के समय प्रभु विभिन्न रंगों की अलौकिक छटा के रूप में दृष्टिगत होते हैं। आइए अब हम श्रीनाथ जी मंदिर सूरत में हुए पंचामृत स्नान, आज जन्माष्टमी के अवसर पर, शुभ अवसर पर हुए पंचामृत स्नान के अलौकिक दर्शन करते हैं, जिसमें प्रभु को दूध, दही, घी, शर्करा, बूरा और शहद से पंचामृत का स्नान करवाया गया। आइए दर्शन करते हैं। पंचामृत स्नान के उपरांत प्रभु को चंदन, आंवला एवं फुलेल से आदि से अभ्यंग कराया जाता है। आज प्रभु को जन्म दिवस के महात्म स्वरूप यशोदो संग लालित स्वरूप के आधार पर परब्रह्म श्री कृष्ण के रूप में पंचामृत स्नान करवाया जाता है। यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि जब प्रभु का जन्म
भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को रात्रि 12 बजे होता है, तो प्रभु को पंचामृत स्नान अभ्यंग प्रातःकाल के दर्शन में क्यों करवाया जाता है? इसका समाधान यह दिया जाता है कि प्रभु का जन्म मथुरा में कंस के कारागार में जब रात्रि को हुआ था, तब उन्होंने पारलौकिक ब्रह्म के रूप में, परम ब्रह्म के रूप में वासुदेव और देवकी को दर्शन प्रदान किए थे। आज प्रातःकाल में प्रभु के जन्म दिवस के अवसर पर पारलौकिक ब्रह्म के रूप में आज श्रीनाथ जी के विग्रह को पंचामृत स्नान करवाया जाता है। इसके अलावा आज प्रातः का अभ्यंग प्रभु को उनके जन्मदिन के महात्म्य स्वरूप यशोदोत्संग लालित स्वरूप के आधार पर आधार रूप पर ब्रह्म श्री कृष्ण के रूप में भी पंचामृत स्नान करवाया जाता है। जबकि आज रात्रि को प्रभु जन्म उपरांत उनके श्री बालकृष्ण लाल जी स्वरूप का पंचामृत स्नान होता है। श्री जी के पंचामृत के दर्शन के उपरांत श्री जी के पातलगढ़ का प्रसाद सभी वैष्णवों को वितरित किया जाता है, जिसे सभी प्रभु प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। आज श्रृंगार के दर्शन काफ़ी देर से लगभग 9:30 बजे खुलते हैं, क्योंकि पंचामृत स्नान के बाद प्रभु स्वरूप अत्यधिक चिकना हो जाता है। साथ ही आज का श्रृंगार आवरण आदि भी अत्यधिक भारी से भारी होते हैं। श्रृंगार दर्शन में प्रभु श्री जी को कुमकुम का तिलक किया जाता है एवं अक्षत समर्पित करके भेंट रखी जाती है। इस दौरान शंख, झालर, घंटा आदि बजाए जाते हैं और वैष्णव मंगल गान करते हैं। आज प्रभु के सम्मुख हल्दी से चोक पुराया जाता है, राई लोन से प्रभु की नज़र उतारी जाती है। श्री जी के मुख्य पंडिया जी जन्म पत्रिका वर्ष पत्र पढ़ते हैं। आज राजभोग दर्शन दोपहर लगभग 2:15 बजे तक खुलते हैं। संध्या आरती दर्शन लगभग रात्रि 7:45 बजे खुलते हैं और लगभग रात्रि 9 बजे से प्रभु के जागरण के दर्शन प्रारंभ होते हैं, जो कि रात्रि लगभग 10:45 बजे तक खुले रहते हैं। तदुपरांत रात्रि 12 बजे भीतर शंख, झालर, घंटा, नगाड़ा आदि की ध्वनि के बीच प्रभु का जन्म होता है। प्रभु जन्म के समय नाथद्वारा नगर के रिसाला चौक में प्रभु को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। इस अद्भुत परंपरा का साक्षी बनने के लिए प्रतिवर्ष यहाँ हजारों की संख्या में नगरवासी व पर्यटक एकत्रित होते हैं। प्रभु सम्मुख विराजित श्री बालकृष्ण लाल जी का यहाँ पंचामृत स्नान होता है। प्रभु को महाभोग धराया जाता है, जिसमें पंजरी के लड्डू, मनोर के लड्डू, मेवा बाटी, केसरिया घेवर, केसरिया चंद्रकला, दूध घर की में सिद्ध मावे के पेड़ा बर्फी, दूध पूड़ी, केसर युक्त बासुंदी, जीरा युक्त दही, केसरी सफ़ेद मावे की गुंजिया, श्रीखंड वड़ी, घी में तला हुआ बीज चालनी का सूखा मेवा, विविध प्रकार के संदाना अर्थात अचार के बटेरा, विविध प्रकार के फल आदि उगाए जाते हैं। महाभोग की सकड़ी में राजभोग की भांति सकड़ी की सामग्री पंच भात, मीठी सेव, केसरी पेठा आदि उगाए जाते हैं। आइए अब हम आज श्रीनाथ जी के आज के श्रृंगार के गुणगान करते हैं। श्रीनाथ जी का आज का श्रृंगार अत्यंत विशिष्ट होता है। आज की साज सेवा में श्रीनाथ जी में लाल दरियाई, बड़े लप्पा की, सुनहरी जरी की, तुई लेस की किनारी से सुसज्जित पिछवाई धराई जाती है। गादी तकिया के ऊपर लाल मखमल की बिछावट की जाती है तथा स्वर्ण की रत्नजड़ी चरण चौकी के ऊपर सफ़ेद मखमल मढ़ी हुई होती है। आज की वस्त्र सेवा में प्रभु श्री गोवर्धन नाथ जी को रुपैली जरी की तुई लेस की किनारी से सुसज्जित केसरी रंग की जामदानी की चाकदार चोली अंगीकार करवाई जाती है। आज सूथन लाल रंग के सुनहरी छापा के रेशम का होता है तथा लाल रंग का पीतांबर चोखटे के ऊपर धराया जाता है। आज ठाड़े वस्त्र मेघ श्याम रंग के होते हैं। आवरण श्रृंगार सेवा में आज प्रभु श्री वल्लभा जी को वनमाला का अर्थात चरणारविंद तक का अत्यंत भारी श्रृंगार धराया जाता है। आज उत्सव के 3 जोड़ी के नवरत्नों के आवरण धराए जाते हैं।
आज हांस, त्रवल, बगनखा, दोहालरा आदि धराए जाते हैं तथा वेजंती माला धराई जाती है। श्री जी प्रभु के श्रीमस्तक पर केसरी रंग के कूले के ऊपर सिर पेंच, पांच मोर पंख की चंद्रिका की जोड़ और बाईं ओर जमाव का शीश फूल धराया जाता है तथा श्रीकर्ण में आज मकराकृति कुंडल धराए जाते हैं। आज प्रभु के बाईं ओर मानक की चोटी जी अर्थात शिखाजी धराई जाती है। आज पीठिका के ऊपर हीरे मोती के जड़ाव का प्राचीन चोकठा धराया जाता है। प्रभु के मुखारविंद पर केसर से कपोल पत्र किए जाते हैं। प्रभु जी के श्रीकंठ में कली कस्तूरी आदि की माला आती है। आज पीले एवं श्वेत पुष्पों की विविध रंगों की थाक वाली दो अत्यंत सुंदर माला जी सुशोभित की जाती है। श्री जी के श्री हस्त में कमल छड़ी, हीरे के वेणु जी एवं दो वित्र जी धराए जाते हैं। आज पट एवं गोटी जड़ऊ स्वर्ण की आती है, जबकि आरसी श्रृंगार में जड़ऊ स्वर्ण की और राजभोग में उस्ता जी की बड़ी दिखाई जाती है। आज की राग सेवा, आज के कीर्तनों के बारे में चर्चा करते हैं। आज का दिन अत्यंत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज दिन भर श्रीजी मंदिर में कीर्तनों की बहार रहती है। प्रभु के जन्म के, प्रभु के लीलाओं के आज दिन भर गुणगान किए जाते हैं। मंगला दर्शन में आज कीर्तन, नैन भर देखो नंद कुमार, नैन भर देखो नंद कुमार, जसुमति कूक चंद्रमा प्रकटियो या व्रज को उजियार, वन जिन जाओ आज को गोसुत और गाय गुवार, अपने अपने भेष सबे मिली लावो विविध श्रृंगार। राजभोग दर्शन में जो कीर्तन होता है वो इस प्रकार है। एरिए आज नंद राय के आनंद भयो, नाचत गोपी करत कुलाहल मंगल चार ठयो, राती पीरी चोली पहरे नौतन जूमक सारी, चोवा चंदन अंग लगावे सेंदुर मांग सवारी, माखन दूध दयो बरी बाजन सकल ग्वालते आए, बाजत बेनु पखावज महुवरी गावत गीत सुहाए, हरद दूब अक्षत दधि कुमकुम आंगन बाड़ी कीच, हसत परस्पर प्रेम मुदित मन लाग लाग बुझ बीच, चहु वेद ध्वनि करत महामुनि पंच शब्द डम डोल, परमानंद बढ़ियो गोकुल में आनंद हृदय कलोल। और आज जो जागरण के समय कीर्तन होता है वो प्रमुख कीर्तन इस प्रकार है। पद्म धर्यो जन ताप निवारण, चक्र सुदर्शन धर्यो कमल कर भक्तिम की रक्षा के कारण, शंख धर्यो रिप उदर विदारण, गदा धरी दुष्टन संहारण, चारो भुजा चारो आयुध धरे नारायण भो भाव उतारण, दीना नाथ दयाल जगत गुरु आरती हरन चिंतामणि, परमानंद दास को ठाकुर यह ओसर छाड़ो जिनकिनी। इसके अलावा जागरण में आज अन्य पद मोहन नंद राय, वंदे धरन भादो की रात, महानिस भादो जन्म लियो शुभ भी गाए जाते हैं। आरती दर्शन में आज कीर्तन, यह धन धर्म ही ते पायो, नीके राखी यशोदा मैया नारायण व्रजायो। और शयन दर्शन में कीर्तन, चलो चलो मेरे लाड़ी ले हो पायल पेंजनी के चाय, रत्न जड़ित की गड़ाई यही लालच को पहराए। और पौड़वे के कीर्तन में आज अत्यंत ही सुमधुर कीर्तन गाया जाता है। धन्य रानी जसुमती ग्रह आवत गोपीजन, वासर ताप निवारण कारण वर वार कमल मुख निरकन। इस प्रकार आज दिन भर सुमधुर कीर्तनों के गायन से संपूर्ण नाथ द्वारा कृष्णमय होता है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की खूब खूब मंगल बधाई। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। आभार।